Leads to question number 12th of exercise 8, that is triangles. Question number 12th is, if each of angle of a triangle is less than the sum of the other two, show that the angle is acute angle. Friends, kya batana hai? Ki ek triangle hai. Is triangle ka har ek angle. Ye A, B, C. Hame kya prove karna hai? Isme question mein kya prove karne ke liye keh raha hai? Prove karne ke liye koi bhi angle. एंगल ए क्या है, ईच एंगल इज लेस देन, कम है किससे, इन दो एंगल के सम से, एंगल बी प्लस सी, या एंगल बी कम है एंगल सी प्लस ए से, राइट फ्रेंड्स, या एंगल सी कम है एंगल बी प्लस ए से, कोई भी एक प्रूव करना है इसमें, राइट फ्रेंड्स. तो अगर कोई भी एक प्रूव कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स. तो देखिए कैसे प्रूव किया जाएगा इसको. देखिए प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, ये वाली इक्वेशन ले रही हूं मैं, एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी. तो ऑन एडिंग एंगल ए, ऑन एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड किया एंगल ए, तो क्या हो गया, ये एंगल ए प्लस एंगल ए इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. तो ये देखिए ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज लेस देन 180 डिग्री. व्हाई, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. अब एंगल ए किससे लेस हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 2. तो एंगल ए किससे लेस हो गया, 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम है, दैट मींस एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है. हमें यही प्रूव करना था कि क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि प्रूव दैट द ट्राइंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट फ्रेंड्स. ये फर्स्ट प्रूव हो गई. अगर हम सेकंड प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी एक प्रूव करिए और सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीनों प्रूफ करके दिखा रही हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी. तो ऑन एडिंग एंगल बी बोथ साइड, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो गया, एंगल बी प्लस एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री. तो एंगल बी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेस देन 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस एंगल बी इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस एंगल बी इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए थर्ड अगर प्रूव करनी है, सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी, एड कर देंगे ऑन एडिंग एंगल सी ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ गया, एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स, सॉरी, इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी. तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल सी इज लेस देन 180 डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री. तो हेंस एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.